हाल ही में 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड आई है सरकार की, तमाम कार्य गिनवाए, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है सरकार है, सही है, बढ़िया सरकार है। अभी तक जितना कार्यकाल रहा है क्या सर? बढ़िया, वाह कार्यकाल बढ़िया। मैं ये कहना चाहते हैं बढ़िया है सरकार और क्या बात है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार? 100 नंबर देना चाहते हैं। 100 में से 100 में से 1000 100 में से 1000 10 में से 100 100 में से 1000 सरकार तो देखो ये तो काम जो भी कर रही है सही कर रही है, बस जो रोजगार है वो बहुत ही कम है लोगों पे। इस सरकार में काम हुआ इतना का, काम किसी सरकार में हुआ ही नहीं। जी बढ़िया, आपके भी वही होंगे, रोड टनाटन करें, काम बढ़िया है और बढ़िया काम करें योगी जी, बढ़िया बेहतरीन टनाटन। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करी। अब इस पे आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम लोगों की क्या राय है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो देखो ये तो काम जो भी कर रही है सही कर रही है, बस जो रोज़गार है वो बहुत ही कम है लोगों पे। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश में हम हैं हापुड़ से। उत्तर प्रदेश से हापुड़ से हैं आप, तो प्रदेश भयमुक्त हुआ है सरकार ने ये भी कहा बदमाशों से, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने अच्छा काम किया है, बदमाश से तो देखो सभी निपट लिए हैं। मतलब आप ये बात मानते हैं कि प्रदेश कहीं ना कहीं बदमाशों से भयमुक्त हुआ है? हाँ जी हुआ, ये तो मानते हैं हम कि सरकार ने ये काम तो अच्छा किया है। योगी आदित्यनाथ को जितना भी उनका कार्यकाल रहा है उससे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 6-7% तो होने चाहिए जी। मतलब 10 में से 6-7 नंबर देना चाहेंगे जी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार के बारे में? जी बढ़िया, आपके भी वही होंगे, रोड टनाटन करें, काम बढ़िया है और बढ़िया काम करें योगी जी, बढ़िया बेहतरीन टनाटन। अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, अब आदित्य योगीनाथ के प्रशासन है, कितना सफल रहा है पिछले 4.5 सालों में? 6 महीने बाद एक बार उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव आ जाएंगे राजी, इनकी संभावना भाई साहब मोदी जी की संभावना है, योगी जी जीतेंगे फिर भी। आप किसको अपना वोट सपोर्ट देना चाहेंगे? योगी जी को करेंगे सपोर्ट, जिनके पहले कर आपके भी नहीं करेंगे और क्या करेंगे। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 3 या 4 देना चाहेंगे। 3 या 4 नंबर देना चाहेंगे? हाँ बहुत, 3-4 जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम फुरकान। 10 में से योगी जी को कितने नंबर दोगे अभी तक जितना कार्यकाल रहा है योगी जी का? 100 देंगे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तरीकत। अभी तक आदित्य योगीनाथ का जितना प्रशासन रहा है, कार्यकाल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? काम बढ़िया हुए, काम बढ़िया हुआ अभी तक इस सरकार में, काम हुआ इतना का, काम किसी सरकार में हुआ ही नहीं। इतना मतलब काम किसी सरकार में नहीं हुआ? किसी की सरकार में नहीं हुआ जितना काम हुआ है। योगी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उनके कार्य को लेकर? पूरे या पूरे 10 नंबर मिलेंगे। क्या नाम है आपका? छन्नू सिंह लोधी। हाल ही में आदित्य योगीनाथ ने 4.5 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है अपने कार्यों को लेकर, जिसमें उन्होंने अपने सारे तमाम कार्य गिनवाए हैं। अभी तक जितना कार्यकाल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, कायाकल्प कर दिया। जब यहाँ पे इतने गहरे गड्ढे होते थे बरसात में, अब देखो डेली सफाई होती है और डेली साफ सुथरा रहता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अपराध से, बदमाशों से भयमुक्त हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस बात पर तो बहुत सुधार हो गया जी। सुधार हुआ है कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आने वाले समय बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? हम तो योगी जी को देखना चाहेंगे जी। अगली बार फिर योगी? फिर योगी, अब की बार फिर योगी सर। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अभी तक जितना कार्यकाल रहा है? 10 में से तो 10 ही दे देंगे जी। आपका क्या नाम है? इसराद। इसराद, अभी तक जितना कार्यकाल रहा है आदित्य योगीनाथ का, क्या कहना चाहते हैं उस पर, कैसा रहा है? बिल्कुल बढ़िया जी। हाल ही में सरकार ने 4.5 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है, तमाम कार्य गिनवाए हैं सरकार ने कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, प्रदेश है वो बदमाशों से भयमुक्त हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम तो ठीक है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार के कार्य को? 10। आने वाले समय में किसको वोट देंगे? योगी। योगी क्या करते हैं आप? हम लोग ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हो, ट्रक चलाते हो? ट्रक चलाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं नहीं करते? अब नहीं, कोई कर लो, पहले कर लेते हैं। पहले करते थे, अब नहीं करते? हम नहीं करते। आने वाले समय में फिर किसको देखना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री? आने वाले में अब योगी जी को। योगी सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं 10 में से? 100 में 100 पूरे। 100 में से 100 देंगे पूरे? हाँ पूरे। हो जी, बताओ क्या कहना चाहते हैं? पुलिस वालों का वेतन इस सरकार में कम मिल रहा है और पुलिस वाले ड्राइवरों को नहीं जीने दे रहे हैं बिल्कुल। अगर मास्क लगाए हो तब भी चलाने हैं, न चलाओ लगाए तब भी चलाने हैं। पैर में जूते नहीं है, वर्दी नहीं है, पीछे स्टिकर नहीं है,
उनका पेट तनख्वाह से नहीं भर रहा है। 10 में से कितने नंबर दोगे कार्यकाल को, योगी के कार्यकाल को? 10 में से दे देंगे 11। 10 में से 11 दे दोगे? और क्या। हाल ही में योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड आई है। तमाम कार्य गिनवाए हैं योगी सरकार ने, बहुत काम किया उन्होंने जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बढ़िया है सरकार, और क्या बात है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार? 1000 नंबर देना चाहते हैं। 100 में से? 100 में से 1000। 100 में से 1000, 10 में से 100, 100 में से 1000। हां, हाल ही में 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड आई है सरकार की, तमाम कार्य गिनवाए, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है सरकार है, सही है। बढ़िया सरकार है, अभी तक जितना कार्यकाल रहा है क्या सर? बढ़िया हुआ कार्यकाल, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, प्रदेश भयमुक्त हुआ है नहीं हुआ बदमाशों से? भयमुक्त हुआ भाई साहब। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर। अभी तक योगी आदित्यनाथ का 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? योगी होना चाहिए, जो भी होना चाहिए योगी होना चाहिए। हाँ जी, मतलब बतौर मुख्यमंत्री अगली बार योगी बनेगा। 10 में से कितने नंबर देंगे अभी तक के जितने कार्य रहे? 10 में 10 ही देंगे हम तो। 10 में से 10 देंगे अभी तक योगी आदित्यनाथ का 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ही है सर जी, उनका सही है। हाँ, अभी तो सही है हमारे लिए। 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 तो मान ही लो। 9 मान लें, बिल्कुल सर। अच्छा, प्रदेश भयमुक्त हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी, प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ है नहीं हुआ बदमाशों से? बिल्कुल हुआ है सर, बहुत आराम से हम भी चल रहे हैं, आने जाने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है हम लोगों को, इस टाइम बढ़िया ही है। बढ़िया है। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज आफताब शिवदासानी, कीप वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।